गाइस, आप लोगों ने हिमाचल उत्तराखंड जैसे पर्वतीय इलाकों में बादल के फट जाने की घटना तो सुनी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि ये बादल का फटना आखिरकार होता क्या है और ये होता क्यों है? इसके लिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये बादल होते क्या हैं और बारिश होती कैसे है। गर्मी के दिनों में जब ये जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है, जैसे जैसे ऊपर उठता है टेम्परेचर कम होने के कारण ये जलवाष्प बादल का रूप ले लेती हैं, और बरसात के दिनों में जब तापमान कम होता है तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे ये जलवाष्प द्रव का रूप ले लेती है और ये द्रव पृथ्वी पर वर्षा की बूंदों के रूप में पहुंचता है। किंतु पर्वतीय इलाकों में आर्द्रता से ये भरे बादल जब एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करते रहते हैं, उसी दौरान ये बादल ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच में फंस जाते हैं। इन बादलों के पास इन पहाड़ियों से गुजरने का कोई रास्ता नहीं रहता है, सिर्फ एक रास्ता रह जाता है, जो है इन पहाड़ियों के ऊपर से गुजरना। किंतु जब ये बादल ऊपर उठकर इन पहाड़ियों से गुजरने का प्रयास करते हैं और जैसे जैसे ऊपर उठते हैं उसी दौरान इनका टेम्परेचर कम होते जाता है, जिससे इनमें संघनन की प्रक्रिया तेज गति से प्रारंभ हो जाती है और ये जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में, पहले छोटी बूंदों के रूप में फिर बड़ी बूंदों के रूप में बन जाते हैं, जिससे इन बादलों की वाटर होल्ड कैपेसिटी खत्म हो जाती है और ये पहाड़ियों के बीच में एकाएक बारिश के रूप में बरसने लग जाते हैं। जब ये जल पहाड़ों से होते हुए मैदानी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये बाढ़ का रूप ले लेते हैं, जो रास्ते में आने वाले सभी जनजीवन को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे जनजीवन को काफ़ी नुकसान होता है। इसी तरह एकाएक बादलों का बारिश के रूप में बरसना ही बादल का फटना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस दौरान 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से वर्षा होती है, जो जनजीवन को काफी भयानक रूप से प्रभावित करती है। ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।